सबसे पहले हम लोग को फ्लिपकार्ट का बॉक्स देखने को मिलता है। एंड भाई मैंने लिटरली भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस की है इसको लेने में। अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि जब इसका ऑर्डर आया तब बहुत बुरी चीज़ें हो चुकी है मेरे साथ, वो मैं तुम लोग को आगे बताऊंगा। उससे पहले सबसे पहले तो क्या होता है कि हमें यहाँ पे टेप मिलती है। ये टेप वैसे लगी हुई नहीं थी, मैंने खुद ने लगाई है, क्योंकि भाई फर्स्ट टाइम जब मैंने इसको जब मैं लेके आया था तो उसके बाद क्या हुआ था, इसकी टेप निकल गई थी, तो मैंने अपने से इसको ऐड की है। से पहले निकाल लेते हैं। तो ओके गाइस, ये हमारा बॉक्स है एंड ये कुछ चीज़ें जिसमें मतलब हमने कहा कितने का खरीद 3,068 रुपीज़ में, ये 7,000 की GST लगी है, 42,000 का इसका ये है। इसको जल्दी से ओपन करते हैं। सबसे पहले तो भाई साइड में आ जाती है कुछ टेप जो कि फ्लिपकार्ट वाले लगाते हैं। अब भाई पता नहीं क्यों यार ये टेप्स इतनी लगाते हैं। चलो इसको एक टाइप को साइड लेते हैं, दूसरी टेप थोड़ी हल्के से निकल, चलो ये निकल गई, अभी ये हमने निकाल दिया था। ओके सो गाइज, ओके तो आप लोग यार रेडी हो उसके लिए, चलो इसको जल्दी से ओपन करते हैं। अब देखो यार, इसमें हमको सबसे पहले हमारा मोबाइल साइड में, एंड उसके अलावा हमें मिलता है सबसे पहले ये सिम इजेक्टर टूल एंड एक पुस्तक जिसमें भाई सैमसंग का सब कुछ खजाने के बारे में लिखा हुआ है। बाकी तो यार पूरा बॉक्स खाली है, कुछ नहीं मिला हमें। ओके तो देन अब हमारी बारी है, हमें पहले सबसे पहले तो सिम इजेक्टर टूल को देखते हैं एंड देन इसके अंदर की साइड। भाई देखो मुझे एडाप्टर वेडाप्टर मिला नहीं है, पता नहीं क्यों। अबे वायर भाई, ये हमें एक मिला है नॉर्मल सा एक केबल, बाकी तो हमें कुछ नहीं मिला। चलो हम लोग जल्दी से पहले आ जाते हैं अपने फ़ोन की तरफ। सो ओके गाइस, यार अब हम लोग अपने फ़ोन को चेक करेंगे। तो सबसे पहले तो हम मैं इसको भाई पीछे से बहुत अच्छा दिख रहा है, पीछे से पैक ये भाई कहाँ कहाँ से आ जाते लोग, साइड में रखते हैं भाई। भाई देख पा रहे हो आप लोग, भाई साहब मतलब कितना मौसम लग रहा है भाई ये। एंड सबसे बड़ी इसकी खासियत क्या पता है, हम इसे ऐसे फ्लिप कर सकते हैं देखो, एंड देन अब वापस उससे नॉर्मल से कर सकते हैं, तो भाई बहुत अच्छा। ओके सो सैमसंग हमारा बूट अप हो रहा है, सैमसंग गैलेक्सी, एंड बैक साइड भी आप स्क्रीन देख पा रहे हो, यहाँ पे भी भाई एक बहुत बढ़िया सी स्क्रीन है। एंड आपको कैसा लगा भाई कमेंट बॉक्स में बताना, हम यहाँ से चलते हैं। देन मैंने फ़ोन को थोड़ा सेटअप किया एंड भाई वॉलपेपर वगैरह लगाया एंड लिटरली कहूँ भाई यार डिस्प्ले एक नंबर है। एंड इसमें भाई डायनेमिक एमोलेड 2x डिस्प्ले है, जो कि यार बहुत ज़्यादा ब्राइट डिस्प्ले एंड बहुत ज़्यादा अच्छा डिस्प्ले है। एंड लिटरली भाई इसके डिस्प्ले ने तो मेरा मतलब दिल जीता ही जीता, इसके बैक स्क्रीन जो है उसने भी मेरा दिल जीत लिया, क्योंकि भाई यार बैक में हम लोग भाई देखो ये आशीष भाई का कॉल, भाई आशीष भाई पूरे दिन कॉल करते रहते हैं। एंड देख पा रहे हो बैक की स्क्रीन में भी हम लोग पबजी वबजी खेल सकते हैं, यूट्यूब वूट्यूब चला सकते हैं एंड बहुत सी चीज़ें लाइक इंस्टाग्राम वगैरह सब चीज़ें चला सकते हैं। एंड भाई लिटरली इस डिवाइस जैसा मुझे तो कोई डिवाइस और लगा नहीं। अब आगे चलते हैं, तुम लोग को बताता हूँ मैं इसकी प्रॉब्लम्स क्या क्या हुई थी इस डिवाइस को लेने में एंड क्या क्या प्रॉब्लम्स आई मुझे इसको ले के आने में अपने घर पर। प्रॉब्लम ये आई कि यार मैंने फर्स्ट टाइम फ्लिपकार्ट से कुछ मंगाया था एंड अमेजोन से तो भाई मैं मंगाता रहता, तो लाइक लैपटॉप मंगाया, माइक मंगाया एंड बहुत सी चीज़ें मंगाई है, बट यार फ्लिपकार्ट फर्स्ट टाइम था एंड मेरे आजू बाजू में भी सब लोग भाई अमेजोन से ही मंगाते हैं, फ्लिपकार्ट से मंगाते हैं लोग, बट मेरे आजू बाजू में तो भाई मतलब अमेजोन वाले ही बंदे, क्योंकि मैं खुद भी अमेजोन से ही मंगाता हूँ इसलिए, ठीक है। तो भाई फ्लिपकार्ट का मुझे पता नहीं था एंड वहाँ पे आउट फॉर डिलीवरी बता रहा है बंदा भाई, सुबह 12:01 बजे मैं वहाँ से निकला हमारे यहाँ से एंड मैं सिटी में जाके वहाँ पे वेट कर रहा हूँ कब आउट फॉर डिलीवरी हो एंड ये भाई बंदा हमें देने आया, बट यहाँ वहाँ पे मैं 2 बजे तक रहा भाई धूप में एंड भाई कोई बंदा नहीं आया। मतलब आउट फॉर डिलीवरी, तब मैंने थोड़ा कस्टमर कॉल पर कॉल लगाया कि भाई ये क्या सीन है इनका, तो तब उन्होंने मुझे बात किया कि भाई देखो आउट फॉर डिलीवरी हो चुका है तो आज आज के पूरे दिन तक वो आ सकता है शाम के 7 बजे तक। मैं बोला यार मेरे को वापस घर पे भी जाना है भाई, शाम के 7 बजे तक कौन सिटी में रुकेगा। तो देन मैंने उसको बोला कि भाई देखो सुनो मेरी बात, तुम एक काम करो आउट फॉर डिलीवरी करवा दो या फिर मुझे उसका जो ऑफिस है उसका लोकेशन दे दो। तो भाई उन्होंने तो मुझे सीधा सीधा मना कर दिया कि ऑफिस का लोकेशन तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि हम वो सिक्योरिटी के लिए रखते हैं इसलिए नहीं दे पाएंगे, बाकी यार तुम
एक काम करो तुम आजू बाजू किससे पूछ लो। मैंने आजू बाजू पूछा, किसी को बंदे को पता नहीं। देन गूगल वाले से पूछा, उनने भी दो फ्लिपकार्ट के ऑफिस बताए दोनों भाई। मतलब एक फर्स्ट पे गया वहाँ पे तो बंद था भाई, था ही नहीं, मतलब फ्लिपकार्ट का ऑफिस ही वहाँ से गायब है। एंड दूसरी जगह भाई 3 किलोमीटर दूर यार। मैं सोचा अभी यार 3 किलोमीटर कौन चल के जाएगा, तो भी मैं आधे रास्ते पहुँच गया तब तक मुझे वापस फ्लिपकार्ट वाले का कॉल आता है। एंड वो कहता है कि भाई आपको मिला कि नहीं, इस टाइप से थोड़ा पूछ रहा। मैं बोला नहीं भाई अभी तक नहीं मिला। देन भाई उसने मेरे को ऐसा कहा कि ई कार्ट इस टाइप का कुछ ऐसे कुछ कहा था मुझे, मुझे अभी लिटरली पूरा याद नहीं। ई कार्ट शॉप ऐसे करके ढूंढो, किसी को पूछो। देन मैंने पूछना तो सोचा नहीं, मैंने सोचा पूछ के क्या कर लूँगा। मैं गूगल पे जाके सर्च कर दिया ई कार्ट शॉप एंड उसके आगे मैंने अपनी सिटी का नाम डाल दिया। लिटरली तब मुझे एक लोकेशन मिली जो जस्ट मेरे बाजू में थी, लाइक 600-700 मीटर पे। तो मैं वहाँ से गया, मैंने बोला कि यार अभी ये लास्ट है, अब की बार अगर यहाँ पे कुछ नहीं मिला तो आज से भाई फ्लिपकार्ट से कुछ मंगाऊंगा नहीं। सच बताओ यार, मतलब मेरे को पर्सनली प्रॉब्लम हुई है मेरे हिसाब से देखे तो, वरना मेरे को फ्लिपकार्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को मेरे हिसाब से प्रॉब्लम हुई है, फ्लिपकार्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। देन मैं गया वहाँ पे एंड फाइनली यार वहाँ पे मुझे मिल गया। एंड वहाँ पे भाई उनका मतलब स्टाफ भी बहुत अच्छा था एंड पैकिंग वैकिंग कर रहे थे। मैंने अपने ऑर्डर के बारे में पूछा, उन्होंने बोल दिया चलो ठीक है ये लो तुम्हारा ऑर्डर एंड ले लो। तब मैंने उनसे बोला कहा कि यार क्या सीन है, मतलब आउट फॉर डिलीवरी अभी तक नहीं हुआ। वो बोल रहे भाई देखो बहुत से आए हुए तो शाम तक हम धीरे धीरे करके दे रहे, तो वो बात मैं भी समझता हूँ कि आराम आराम से देंगे। एंड भाई यही सीन हुआ मेरे साथ, तो बहुत यार मत्था फोड़ी हो गई। एंड 3:30-4 बजे मैं घर पर आया वहाँ से। एंड फिर भाई ये था मेरा एडवेंचर छोटा सा, एंड मज़ा आया थोड़ा बहुत तो। एंड अब मुझे पता चल गया कौन सा ऑफिस है, तो अब मैं चीज़ें मंगाऊंगा फ्लिपकार्ट से भी। दोनों बेस्ट है, अमेज़न फ्लिपकार्ट, मैं किसी का कुछ नहीं कहता। अब तुम लोग को क्या है, लाइक कर दो, लाइक कर दो, पक्का लाइक कर दो अभी के जाके। एंड सब्सक्राइब नहीं किया भाई, सब्सक्राइब कर दो यार। कल एक न्यू वीडियो आएगी, एक बहुत अच्छी वीडियो आएगी, देख लेना। एंड मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, सी यू, जय हिंद, वंदे मातरम। एंड अब थोड़ा सेटअप वेटअप करने दो फ़ोन में, ये लास्ट वीडियो है मेरा इस फ़ोन का, फोल्ड फ़ोन का।